जस्ट मैं संस्कृत पे रख रहा हूँ, हिंदी पे रखते हैं। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमें इंग्लिश पे रखना है। नमस्कार, यो ओसो किङ ओ टिभीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि तपाईँहरू समक्ष नयाँ अपडेटको साथमा उपस्थित रहेको छु। तपाईँले भर्खरै ओसो किङ ओ टिभी हेरिरहनु भएको छ भने सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। आजको विषय रहेको छ, संसारमा धेरै किसिमका धर्महरू छन्, जस्तै हिन्दू, मुस्लिम, किराँत, क्रिस्चियन, जैन, सिख इत्यादि। ती मध्येमा तपाईँ हामी बिचमा आफ्नो आफ्नो आस्थाहरू छन्। कोही मन्दिर जाने, कोही गिर्जाघर जाने, कोही मस्जिद, कोही गुम्बा धाउनेहरू छन्। तर पनि धर्मका आफ्नो धर्मशास्त्रहरू छन्। ती धर्मशास्त्र भरेमा ती धर्मका पुस्तक सम्बन्धी एकजना भारतीयले आविष्कार गरेको यन्त्र छ, जुन यन्त्र तपाईँहरू समक्ष राख्नुभन्दा अगाडि छोटो जानकारी राख्न चाहन्छु। हिन्दू धर्मशास्त्र भगवद् गीता मा रहेका जति नै शब्दको सुर छन्, जति नै लेखेका ती छन्, भाषा हिन्दी अङ्ग्रेजी गर्दै त्यहाँ रहेका त्यो पुस्तकमा रहेका जुन भाषाहरू छन्, त्यो यन्त्रले जुन भाषामा छुँदाखेरि मानिसले पढे चाहिँ त्यो यन्त्रले पढ्नेछन्। र त्यो यन्त्र सम्बन्धी तपाईँहरू समक्ष जुन राख्न चाहन्छु, त्यो यन्त्रमा जे जे छ, जस्तो छ, त्यो व्यक्तिले जसरी आविष्कार गरेका छन् र त्यो यन्त्रमा के देखाउन खोजेका छन्, त्यो यन्त्र तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् यस भिडियोमा भगवद् गीता, ठिक है। और ये वर्ल्ड नम्बर वन जो है भगवद् गीता बनाया गया है, जिसकी खासियत क्या है कि ये पहली ऐसी भगवद् गीता है भारत में जो तीन भाषाओं में एक साथ बनाई गई है, एक संस्कृत में, दूसरा हिंदी में और तीसरा इंग्लिश में। खूबसूरती क्या है कि ये पूरा जो पेपर है पूरा डिजिटलाइज तरीके से लिखा गया है। इसमें जो सारे लैंग्वेज के लिए यूज की गई है ये इंक, ये सारे मैग्नेटिक सब्सटेंस है। मतलब जो पढ़ने वाले वो तो किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, और जो नहीं पढ़ सकते हैं उसके लिए कंपनी ने क्या किया है, एक स्पेशल डिवाइस बनाया गया है, इसको कहते हैं फ्लूट, और ये इसके साथ स्टैंड है, बस इसको रख देना है। इसमें पूरा चार्जेबल सिस्टम है ये, और आप ज़्यादा साउंड चाहिए तो होम थिएटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको स्टार्ट करके सुनाता हूँ। आप यहाँ पर जैसे रखेंगे लिखी हुई है गेट स्टार्ट, ये संख की ध्वनि आएगी, मतलब किताब के सारी चीज़ स्टार्ट हो गए। सप्तम अध्याय से मैं सुनाता हूँ आपको। ये सारे सिंबल आरती के हैं, बस इनको रखना है, और ये आप आरती चेंज भी कर सकते हैं। संख रखेंगे, संख की ध्वनि सुनाई देगी। इनफैक्ट किसी भी लैंग्वेज पे अगर आप रखते हैं, जस्ट मैं संस्कृत पे रख रहा हूँ, हिंदी पे रखते हैं। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमें क्या करना उचित है, इनसे हम जीते या वे हमको जीते। इंग्लिश पे रखना है। We do not even know what to do. उसके एक और खूबसूरती चीज मैं बताता हूँ, इसमें जो भी पिक्चराइज किए गए हैं, इस पिक्चराइज का जो बैकग्राउंड होगा ना, उसकी ध्वनि सुनाई देगी। बहुत कम है यहाँ पे, अब जैसे ये वाला सुरी की डायग्राम है, इसकी ध्वनि सुनाई देगी। लेकर जा सकते हैं, 8 घंटा इसका बैकअप है। और इसमें एक बड़ा खूबसूरत चीज बनाया गया है कि आप इंडिविजुअल श्लोक तो पढ़ ही सकते हैं, आप जैसे बहुत लोग काम भी कर रहे हैं और श्लोक सुनना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिंबल बनाया गया है। ये संस्कृत बोलेगा पूरा एक अध्याय, ये इंग्लिश बोलेगा पूरा एक अध्याय, और ये हिंदी बोलेगा पूरा एक अध्याय। आप रख दोगे जैसे ये देखो, इंग्लिश ये बोल रहा है, they gathered for the battle at Dharma Bhumi, holy ground Kurukshetra. Sanjaya said, after seeing the Pandavas' army arrayed for the battle by your intelligent disciple and Drupada's son Drishtadyumna, there are great
दर्शकबिन यो जमाना भनेको यो युग भनेको यो आधुनिक युग भनेको कुरो फर्केर हेर्दाखेरि 10 वर्ष अथवा 20 वर्ष उता फर्केर हेर्दाखेरि त्यो जमाना र अहिलेको जमानामा फरक छ अहिलेको जमानालाई अर्को संसारको व्यक्तिलाई यो संसारको व्यक्तिले हेर्न सक्ने यन्त्रहरू बनाइसके मानिसहरूले चन्द्रमा मात्रै नभएर अनेक विभिन्न प्लानेटहरू छन् त्यहाँ मानिसहरूले जाने कोसिस गरिरहेका छन् भने कतिवटा प्लानेटमा मान्छे पुगिसकेका छन् र आज धर्मशास्त्रमा रहेका जुन भिडियो क्लिप तपाईँले देख्नुभयो अति सजिलो अति सरल तपाईँलाई लाग्छ कि त्यो पुस्तकमा छुँदाखेरि त्यो शब्दमा छुँदाखेरि त्यो यन्त्रले उच्चारण गर्छ र पहिले पहिलेको जमानामा हामीले चेला भलाहरू गुरुको सामान गएर गुरुको छेउमा गएर अध्ययन गर्ने जमाना थियो त्यो जमानाहरू कम हुँदै आइरहेको छ किनकि हरेकै कुराहरू चिफ मेमोरीमा रेकर्ड हुन्छन् विगतमा बोलेका व्यक्तिले रेकर्ड भएका जुन त्यहाँबाट चाहिँ मानिसहरूले सिक्ने गर्छन् र यो यन्त्रले मानिसहरूलाई यति सजिलो बनाइसकेका छन् कि मानिसहरू अहिले गुगलमा टाइप गर्ने बित्तिकै त्यो शास्त्रमा बाइबलमा के लेखेका छन् कुरानमा के लेखेका छन् ऋग्वेदमा के लेखेका छन् यजुर्वेदमा के लेखेका छन् ती सबै देख्न पाइन्छन् अहिले हामीले एकले अर्कोलाई छल्न सकिँदैन एउटा म धर्मगुरु भयो भने मेरो शास्त्रमा मैले नहेरिकन बोल्यो भने त्यो चेला भलाले एकैछिनमा गुगलमा गएर टाइप गरेर खोज्ने गर्छन् गल्ती भयो भने त्यतिखेर हामी लाचार हुन्छौँ शरम हुन्छौँ यति साह्रो हामी शिक्षित भयौँ र यो आधुनिक संसार अब के हुने हो यति हामी बाँच्छौँ भने किसिम किसिमका अचम्मित कुराहरू देख्ने सकिन्छन् भन्छन् नि बाँच्नु मात्रै पर्छन् के देख्न पाइन्छन् यही होला र अहिलेसम्म हामी बाँचेको छौँ यहाँसम्म त देख्न पायौँ अबको 10-20 वर्ष 50 वर्ष के हुने हो यो दुनियाँमा हेर्दै हेर्छौँ आजको यस अपडेटलाई तपाईँहरू समक्ष राख्दै आगामी दिन पनि यस्तै अपडेट लिएर आउनेछु भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार